आज का ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो है ही, इसी सेम वीडियो में हम ये जो दो कॉम्बो सेट है अलग अलग मटेरियल के, इसका उपयोग करके हम इयररिंग कैसे बना सकते हैं और वो भी सिंपल और आसान तरीके के साथ, ये हम सेम इसी वीडियो में देखेंगे। ये दोनों जो कॉम्बो सेट है ये मैंने स्पेशली बिगनर के लिए बनाया है, तो इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हो ये आप सेम ट्यूटोरियल में सेम वीडियो में देखोगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि ये दोनों कॉम्बो सेट में क्या क्या मटेरियल है, क्या क्वांटिटी में है और कंप्लीट जो कॉम्बो सेट है आपको कितने रुपीस में मिल सकता है, और उसके आगे हम सेम मटेरियल यूज करके दो अलग अलग इयररिंग की डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पर्ल का मोती कलर का, ऑफ वाइट कलर का ये मैंने कॉम्बो आपके लिए रेडी किया है। इसमें सब साइजेस जो आते हैं वो सब इंक्लूडेड है। हम यहाँ पे एक 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 देखेंगे कि कौन कौन से साइजेस क्या क्या क्वांटिटी में यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो सबसे छोटी वाली साइज है ये 2.5 mm के पर्ल है, बाद में ये 3 mm के पर्ल है, यहाँ पे आप क्लोजअप देख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे ये जो है ये 4 mm साइज के पर्ल है, 5 mm साइज के पर्ल है, देन 6 mm साइज के पर्ल है, और उसके बाद आती है 8 mm साइज। और यहाँ पे ये कंप्लीट कॉम्बो में आपको कितने कितने क्वांटिटी में क्या क्या साइजेस में आएंगे वो भी आप देख लीजिएगा। ये 2.5 वाला जो साइज है वो एक पूरे कॉम्बो में 500+ पर्ल्स ये कॉम्बो में आएंगे, वैसे ही 3 mm के 420+ पर्ल्स आएंगे, 4 mm के 400 पर्ल्स आएंगे, 5 mm के 185+ पर्ल्स आएंगे, और 6 mm के 140 पर्ल्स आएंगे, और 8 mm के 110 पर्ल प्लस इस कॉम्बो में पूरे आपको मिलेंगे। और ये एक पर्ल का जो कॉम्बो है उसकी प्राइस है, ये कंप्लीट कॉम्बो आपको मिलेगा 465 रुपीज में। ये हुआ पर्ल का कॉम्बो, जो नॉर्मली शुरुआत में हमें मोती जो है अलग अलग साइजेस में लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये कॉम्बो आपके लिए बनाया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें कि जो नॉर्मल फाइंडिंग्स है शुरुआती दौर में हम इयररिंग्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक कॉम्बो जरूरी ही है, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए ये एक फाइंडिंग वाला कॉम्बो बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिल्वर ऑक्सीडाइज में ये हेड पिंस है, बाद में ये आई पिंस है, वैसे ही गोल्डन में ये हेड पिन है, गोल्डन में आई पिन है। अगर ये चारों इसे सेम कॉम्बो में हम लेते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है ये 25 ग्राम ईच जो पैक ये एक एक कंपार्टमेंट में रहेगा। वैसे ही यहाँ पे हमें ईयर हुक जो है वो गोल्डन सिल्वर यहाँ पे आएंगे, और ये 20 से 22 ग्राम का एक पैक ये एक कंपार्टमेंट में एक पार्टीशन में आपको ये मिलेगा सेम कॉम्बो में। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बॉल पिंस है, बॉल पिंस भी हमें नॉर्मली शुरुआती दौर में सिल्वर और गोल्डन दोनों लगते हैं, तो ये 50 पिंस का एक बंच रहेगा, ऐसे दो बंच इस सेम कॉम्बो में है। वैसे ही अगर हम इयररिंग बनाना चाहे तो हमारे लिए ये और एक फाइंडिंग लगेगा, इसको जंप रिंग्स बोलते हैं, तो ये 10-10 ग्राम के दो पैकेट है गोल्डन सिल्वर में। और शुरुआत में हमें नॉर्मली जो मोल्ड लगते हैं तो ये दो अलग अलग मोल्ड है, अलग अलग साइजेस में और अलग अलग कलर में। तो ये बाली का ये एक मोल्ड है, इसमें सिल्वर और गोल्डन में दोनों में दो साइजेस आपको मिलेंगे, और हर एक साइज के आपको 5-5 पेयर, दैट मीन्स एक ये कंपार्टमेंट में 20 पेयर्स आपको इस बाली के अवेलेबल होंगे, और दो अलग अलग कलर में और दो अलग अलग साइजेस में। वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे ये किडनी शेप हुक है, अलग अलग साइजेस में और दो अलग अलग कलर में इसी सेम कॉम्बो में अवेलेबल है। इसमें भी करीब करीब 20 पेयर ये एक पार्टीशन में एक कंपार्टमेंट में है। तो ये फाइंडिंग वाला जो कॉम्बो है ये पूरा का पूरा कॉम्बो आपको 550 रुपीज में मिलेगा। तो आप ये दोनों कॉम्बो एक साथ ले सकते हो ताकि आप अलग अलग डिजाइन के इयररिंग्स जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो आप फिर से देख लीजिएगा, पर्ल का जो कॉम्बो है वो 465 रुपीज का है और फाइंडिंग्स का जो कॉम्बो है वो 550 रुपीज का है। इसमें आप बहुत सारे इयररिंग्स अलग अलग डिजाइन के बना सकते हो। एज एन सैंपल इसी सेम वीडियो में हम अलग अलग दो डिजाइन के इयररिंग्स सीखेंगे, यही सेम फाइंडिंग्स और यही सेम पर्ल यूज करके। तो हम आगे अब देखते हैं कि कौन से इयररिंग्स हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एज एन सैम्पल आपके लिए एक ईयरिंग का बना के रखा है, और इसमें हमें क्या क्या यूज़ करना है तो आप देख लीजिए। ये जो बॉल पिन्स है वो बॉल पिन्स लगेंगे हमें ये ईयरिंग बनाने के लिए। वैसे ही ये कॉम्बो जो है उसमें से हमें 4 mm साइज़ के पर्ल जो है वो मैंने यूज़ किए हैं। अगर आप चाहे तो आप साइज़ जो है वो दूसरा भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से कुछ बॉल पिन्स निकाल के उसको बीच में कट करेंगे, और कट पोर्शन में हम एक एक 4 mm साइज़ का पर्ल जो है वो पिरो के लेंगे। जैसे हमने पर्ल और बॉल पिन निकाले वैसे ही हमें ईयर हुक जो है वो किडनी हुक इस ईयरिंग के लिए लेना है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया। वैसे ही इसमें हमें हेडपिन लगेंगे, वैसे ही हमें ऐसे इस तरीके से लॉरियल्स रेडी करने हैं, तो उसके लिए हमने ये बॉल पिन में एक एक पर्ल जो है वो डाला है। अभी एग्जैक्टली लॉरियल बनाने के लिए राउंडनोज प्लायर के साथ ये हम ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ेंगे, और ये पिन जो है 2 से 3 बार हमें टाइटली इस पर्ल और टूल के बीच में जो गैप है उस गैप में हमें 2 से 3 बार घुमानी है और खींचनी है। खींचने के बाद एक्सेस जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये लॉरियल्स जो है वो बनेंगे। एक ईयरिंग का पेयर बनाने के लिए ऐसे हमें करीब करीब 20 लॉरियल्स जो है एक पीस के लिए चाहिए, तो दोनों के लिए हमें 40 जो लॉरियल्स है वो बना के लेने हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखे हैं। लॉरियल्स बनाने के बाद सबसे पहले हमें ये ईयर हुक लेना है। ईयर हुक हम खोलेंगे, और खोलने के बाद यहाँ पे ये ओपन जो है, यहाँ पे ये ओपन रहता है, उसको हम पहले ऐसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ये जो हुक का पोर्शन है उसको थोड़ा सा ऐसे बैकवर्ड बेंड देंगे, और फिर से हम क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप है वो गैप हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने ये फर्स्ट क्लोज करके लिया। फिर हमें एक हेडपिन लेना है। हेडपिन में एक 8 mm साइज का जो पर्ल है वो पर्ल डाल के ऊपर की तरफ एक्सेस कट करके हमें लूप बनाना है। यहाँ पे हमने पकड़ा और इसको लूप बनाया। लूप बनाने के बाद बैकवर्ड बेंड करेंगे। बैकवर्ड बेंड से क्या होता है कि ये लूप जो है खुल जाता है। फिर खुलने के बाद ये हुक का जो पोर्शन है नीचे का लूप का उसमें हम डालेंगे, और ये फिर से क्लोज करेंगे, तो नीचे की तरफ ये एक 8 mm का लटकन हुआ। अभी हमें क्या करना है, 8 mm का और एक पर्ल लेना है और इसमें हमें डालना है। डालने से पहले ये थोड़ा सा जो बेंड है उसको सीधा कर लेते हैं, और फिर इसमें 8 mm का एक पर्ल डाला हमने, और इसके ऊपर अभी हम ये लॉरियल्स जो है 10 लॉरियल्स एक के आगे दूसरा ऐसे हमें 10 लॉरियल्स इसी सेम ईयर हुक में पिरो के लेने हैं। ये हमने सब डाल लिए। अभी इसके आगे ही हमें 6 mm साइज का जो पर्ल है वो पर्ल पिरोना है, और फिर उसी के आगे ये बचे हुए जो लॉरियल्स है 10 वो हमें पिरो के लेने हैं। ये हमने डाल दिया। अभी इसके आगे हमें ये 5 mm साइज का जो पर्ल है वो डालना है, और उसी के आगे हमें एक 3 mm साइज का पर्ल जो है वो सेम हुक में डालने हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये इयररिंग जो है रेडी हो गए, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी करके रखा है पेयर का पीस। अभी सिर्फ हमें क्या करना है कि अगर हम ये ऐसा ही खुला छोड़ेंगे तो ये निकल के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक हमें करना है। यहाँ पे जहाँ पे ये पूरा खींच के लेना है, और एग्जैक्टली जहाँ पे ये कंप्लीट नीचे खींच के, यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल इस पर्ल को एकदम चिपक के एकदम नज़दीक हमें थोड़ा सा इसको ऐसे बैकवर्ड बेंड लेना है, और फिर ईयर हुक हमें सीधा करना है, तो ये यहाँ से लॉक हो जाएगा, निकलेगा नहीं बाहर। और इसी तरीके से फिर हम नीचे वाला जो हमने बेंड सीधा किया था उसको थोड़ा सा फिर से बेंड करेंगे, और फिर ये जो लूप है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ खोलना है हमें,
तो ये इजीली अंदर जाएगा। इसी तरीके के साथ ये फर्स्ट ईयरिंग का जो ट्यूटोरियल है ये यहाँ पे रेडी हो जाता है। और आपने यहाँ पे देखा कि सेम पर्ल और सेम फाइंडिंग्स इसी कॉम्बो में जो मटेरियल है वो यूज करके हमने ये ईयरिंग बनाए हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सेम यही मटेरियल यूज़ करके लेकिन अलग जो ईयरिंग का मोल्ड है और अलग टेक्निक यूज़ करके, ये मैंने ऑलरेडी एक पेयर का पीस ऑलरेडी बना के रखा है, तो ये कैसे बनाएंगे ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए हमें लगेगा सबसे पहले ईयरिंग का मोल्ड ये, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने हेड पिन और आई पिन दोनों का यूज़ किया है। ये कैसे करेंगे ये मैं इसके आगे बताऊंगी। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमने 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm और 6 mm, 8 mm ऑलमोस्ट सब जो पर्ल्स की साइज़ है वो एक ही ईयरिंग में हमने यूज़ की है। तो आप ये वाला भी ईयरिंग जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये ईयरिंग का मोल्ड खोलेंगे, ये जो बेंड वाला पोर्शन है उसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसमें सबसे पहले हमें 2.5 mm के 3 पर्ल, फिर 3 mm का एक, 4 mm का एक, 5 mm का एक, इतना ये मोल्ड में डाल के हमें लेना है। मेरे पसंद से ये मैंने किया है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 2.5 mm के 3 पर हुए, फिर 3 mm का एक, फिर 4 mm का एक और फिर 5 mm का एक। ये बिल्कुल एक तरफ लेके जाना है। अभी हमें सबसे पहले हेडपिन और आईपिन यूज करके ये जो हैंगिंग है वो हैंगिंग बनाने है, और बीच वाला सबसे पहले हम लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक 2 आईपिन और एक हेडपिन लगेगा। तो आईपिन में हमें पहले 8 mm साइज का पर्ल डालना है, ऊपर का एक्सेस पोर्शन कट करके यहाँ पे लूप बनाना है हमें। इस तरीके से लूप बन गया और इसको हम बैकवर्ड बेंड करेंगे, खुल जाएगा। फिर इसी में नेक्स्ट जो आई पिन है वो हमने डाली और इसको जो है हमने क्लोज कर दिया। अभी ये 8 mm का पर्ल ऊपर की तरफ हुआ है पैक, अभी उसी के नीचे हम 6 mm का डालेंगे। सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है, लूप करना है हमें और इसको जो है अभी हमें क्लोज करना है क्योंकि नीचे की तरफ हमें हेडपिन यूज करनी है। तो 8 mm और 6 mm। अभी हेडपिन में हम 5 mm साइज का पर्ल लेंगे ऊपर की तरफ एक्सेस कट करके, ये तो हैंगिंग बन जाएगा क्योंकि ये हेडपिन है। इसको लूप करेंगे, बैकवर्ड बेंड देंगे। बैकवर्ड बेंड देने के बाद 6 mm का जो लूप है उसमें हम इसको फिट करेंगे और फिर ये हमें क्लोज करना है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, 8 mm, 6 mm और 5 mm। ऐसे ही हमें ये ईयरिंग बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 mm है ऊपर की तरफ, फिर दो हमें ऐसे पीस बनाने हैं, वहाँ पे हमें 6 mm, 5 mm और 4 mm यूज़ करने हैं, और लास्ट के जो दो है उसमें हमें 5 mm, 4 mm और 3 mm, ऐसे सेम ही टेक्निक के साथ ये हैंगिंग्स बना के लेने हैं। तो यहाँ पे हमने ये 6 mm, 5 mm, 4 mm और 5 mm, 4 mm और 3 mm के ये सब हैंगिंग जो है रेडी करके लिए है। अलग अलग रखेंगे क्योंकि हमें अभी ये हैंगिंग जो है सेम पाली साँचे में पिरोने हैं। अभी सबसे पहले हमें जो छोटा है वो पिरोना है और हर एक हैंगिंग के बाद 5 mm का एक एक पर्ल हर एक बीच में हमें डालना है। ये डाला हमने, फिर सेकेंड वाली जो साइज़ है 6 mm का हैंगिंग, फिर एक 5 mm का पर्ल, फिर बीच वाला जो हैंगिंग है वो हैंगिंग, और फिर सेम उसी तरीके के साथ बाकी का बचा हुआ सेम अपोजिट डायरेक्शन में हमें पिरोना है, तो वो मैं यहाँ पे पिरो के ले रही हूँ। ये होने के बाद जो हमने सिर्फ पर्ल पिरोए थे वो भी हमें सेम उसी साइज में यहाँ पे उल्टे दिशा में पिरोना है। तो यहाँ पे हमने सब पिरो लिए
और यहाँ पे देख सकते हो कि कितना खूबसूरत से ऐसे ये बाली ईयरिंग बन गया है। अभी यहाँ पे हमें लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें इसको बैंड करना है। तो ऑटोमेटिकली ये जब हम कान में डालेंगे तो ये इस तरीके से हैंगिंग देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बाली मोल्ड जो है वो यूज़ करके कितना बहुत खूबसूरत से और पर्ल कॉम्बिनेशन के साथ हमने ये बनाया है। तो ये पर्ल के जो ईयरिंग हैं दोनों, इस सेम ट्यूटोरियल में मैंने बताया है, ये करने के लिए बहुत ही आसान है। ये मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि स्पेशली मैंने ये बिगनर के लिए कॉम्बो सेट बनाया है, और उसका उपयोग कैसे करते हैं ये भी हमने सेम वीडियो में बताया है। तो आप ये दोनों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये कॉम्बो सेट अगर आपको चाहिए तो आप नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो। आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा, तब भी आपका ऑर्डर जो है वो फाइनल होगा। और ये ऐसे ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपको कॉम्बो सेट ऑर्डर करने हैं, आपको जो चाहिए उतना ही आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन ये कंप्लीट कॉम्बो में ही आएगा क्योंकि ये कॉम्बो की प्राइस है। और ये जब आप ऑर्डर कर सकते हो तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं पड़ेगी, आपके पिन कोड और आपके पार्सल के वेट के अकॉर्डिंगली वो चेंज रहेगी। तो ये मेरा जो वीडियो है ट्यूटोरियल के साथ और रॉ मटेरियल के इन्फॉर्मेशन के साथ, ये आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपके साथ इसके आगे भी ज़रूर मिलती रहूँगी। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।